कैसे हैं सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ अपना लेखपाल बनने का सपना साकार कर रहे होंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने 3 क्लासेस केवल परसेंटेज बेस पे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आज उसी क्रम में हम 4th क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और ऐप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पेड वाले पे दे दिया जाएगा पीडीएफ, क्योंकि पेड ऐप सभी लोग जान रहे हो। खैर, उससे पूरे लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बात जो जरूरी है वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जरूरी क्या है कि ये जो पूरा पैच चल रहा है आपका लेखपाल, ये 10+ कोर्स के अंतर्गत ही चल रहा है और 10+ कोर्स में आपका पहला जो बैच है वो लेखपाल का दिया जा रहा है। ये पूरा कोर्स निशुल्क है, इसमें आपको वीडियो सारी फ्री मिल रही हैं, इसमें आपको जितने भी कंटेंट है कोर्स रिलेटेड सब फ्री मिल रहे हैं, केवल और केवल आपका पीडीएफ का पैसा लिया जा रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि वो कंटेंट होता है, उसके पीछे टाइपिस्ट होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं, बाकी आपका कोई इसमें शुल्क नहीं है। आपका यहाँ पे देख लीजिए 3 महीने का इसमें सब्सक्रिप्शन प्लान पूरा मिल जाएगा 499 रुपए में, जिसमें आपके विभिन्न कोर्सों के, ऐसे एक नहीं केवल 10 कोर्सों के सारे जो हमारे नोट्स होते हैं, जो हमारे पीडीएफ होते हैं, जो हमारे प्रैक्टिस सेट होते हैं वो उसमें दिए जाते हैं, बाकी सारी चीजें हमारी वीडियोज वगैरह सब कुछ फ्री है। तो बिना देर के हुए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 3 क्लासेस में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया है, ये समझ में आ गया है कि आखिर भाई परसेंटेज होता क्या है। अगर इस पे प्रश्न आएंगे, चाहे वो आसान है, चाहे वो मॉडरेट लेवल क्या है, चाहे वो टफ लेवल क्या है, हम उसे बहुत अच्छे से अपने बुद्धि विवेक से, अपनी समझदारी से क्वेश्चन को समझते हुए बहुत कम समय में उसे हल करेंगे। तो आज की क्लास में हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों ने हमें यह बोला था कि सर जो चॉकलेट क्वेश्चन होता है उसका उत्तर बता दिया करिए, उसे सॉल्व करा दिया करिए, बहुत सारे बच्चे लगा नहीं पा रहे हैं। लेकिन पहली बात तो जो भी चॉकलेट क्वेश्चन होते हैं वो आपके उसी क्लास पे आधारित होते हैं, वही कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ बिल्कुल बहुत आसानी से दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं लगा पाते हो तो हम इसे एक बार बता देते हैं कि क्या था। तो पिछला जो आपका चॉकलेट क्वेश्चन था वो था कि किसी घनाभ यानी कि क्यूबाइड में की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों को 10% बढ़ा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप घनाभ का आयतन बढ़ जाता है। आयतन को पुनः कम करने के प्रयास में इसकी ऊंचाई को 20 सेंटीमीटर कम किया जाता है, किंतु यह पाया जाता है कि आयतन अभी भी पहले से 10% अधिक है। घनाभ की ऊंचाई कितनी है? तो ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें करना कुछ नहीं था। मैं आपको बता देता हूं कि वह लॉजिक कहां पे थी। लॉजिक क्योंकि आपका जो क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है, 3D फिगर होता है, और अगर 3D फिगर है इसके लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाया जाएगा तो इसका एरिया बढ़ेगा, है ना, पूरा आयतन बढ़ेगा लेकिन लेंथ और ब्रेथ क्या बढ़ेगा, हर तरफ का एरिया बढ़ेगा, और जो एरिया बढ़ेगा उसमें चेंज क्या आएगा, x + y + xy/100। यहाँ पे 10% था तो इसे लगाएंगे तो हमारा एरिया में जो चेंज आएगा वो 21% आया था। और हमने क्लास में बताया था कि जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है, एरिया इंटू हाइट ही तो होता है। तो अगर एरिया बढ़ गया है तो हाइट को कम करने की बात कर रहा है, और कम कितना कर रहा है कि केवल कुल पे कितना फर्क पड़े, 10। तो अभी देखिए अगर एरिया 100 था तो कितना होगा, 10-10 करके 21% बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 121। तो 121 से कहां लेके आना था, हमें 110 पे लेके आना था, बस यही था। अभी देखिए अंतर यहां पे कितने का आपको दिख रहा है, अंतर आपको 11 का दिख रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, उसने कितना सेंटीमीटर कम किया है, उसने 20 सेंटीमीटर कम किया है। आप कह रहे हो कि मैं 11 कम कर रहा हूं, वो कह रहा है कि मैं 20 कम कर रहा हूं, तो बस अपने 11 से उसके 20 को क्या कर लीजिए, कंपेयर। आपकी 11 के बराबर 20, तो आपके हिसाब से पहले कितनी थी ऊंचाई, 121, है ना। तो यहां पे क्या कर देंगे, 11 से गुणा कर देंगे 121 लाने के लिए, ये हो जाएगा 121, और यहां पे भी 11 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। तो इतना आसान सा था, बहुत अच्छा था कॉन्सेप्ट, वही है एक्स वाई लगाया और कंपैरिजन लगाया। मैंने हिंट भी दिया था, जो भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में अगर आपका टफ लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो क्या करेगा, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देगा। हमारा एक कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया, एक एक्स वाई के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया, और उसमें ज्योमेट्री डाल दिया, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन देंगे आपका एकदम पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन देखे ही नहीं थे और बुद्धि आप लगाओगे नहीं, ये तो आप पैदाइशी ही ठान लियो कि बुद्धि नहीं लगाएंगे, बाकी कुछ भी हो जाएगा। चलिए खैर, हम इसे
यहीं पे छोड़ते हुए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्लास के अंत में फिर से आपको एक चॉकलेट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा मिलेगा, जिस जो पूरा क्वेश्चन आपको इसी क्लास पे आधारित होगा। तो बिना देरी के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आते हैं, नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, परसेंटेज को जीरो से एकदम हीरो लेवल तक सीखते हैं ताकि परीक्षा कोई भी हो, वो चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो, वो चाहे यूपीएसआई की हो, या वो कोई अन्य केंद्र स्तरीय राज्य स्तरीय परीक्षा हो, अगर आप अच्छे से पढ़ लियो तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही सकता कि आपसे लगे ना, आपको बस बहुत एकाग्रता के साथ पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल का दाम 10% बढ़ गया, जिससे 660 रुपए में 2 किलोग्राम कम चावल मिला, चावल का पुराना एवं नया भाव क्या है। एक बार वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए और विचार करिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यह जरूरी होता है कि आखिर वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बोलता है, अगर आप उसकी भाषा समझ लिए, अगर आप उसकी बोली समझ लिए, तो यकीन मानिए मैथ्स क्वेश्चन आपका मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में कितना भी टफ क्वेश्चन हो आराम से लगा ले जाओगे। लेकिन तभी होता है जब आपका प्रश्न नहीं लगता, जब आप उसकी भाषा ना समझ पाओ। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि चावल का दाम 10% बढ़ गया, जिससे 660 रुपए में 2 किलोग्राम कम चावल मिला। क्या कोई इस बात को समझ पाया, ईमानदारी से बताओ, वहां पर जहां भी बैठे हो, फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, तेजी से चिल्लाओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, आप ऐसा समझे, मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, एक सीन समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल है, मान के चलिए कि आप किसी सुबह उठे और आपके घर में क्या हो गई, चीनी खत्म हो गई। चीनी खत्म हो गई तो मम्मी आपको क्या बोली कि जाओ बेटा चीनी लेके आओ। अब इसी एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, यहाँ पे चावल है, हम चीनी ले ले, चावल ही ले ले, चावल लेने मम्मी आपको भेजी है और आपको कितने रुपए दी है, 660 रुपए दी। ऐसा एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं तो समझने में दिक्कत नहीं होगी पहले के क्लासेस में, इसलिए यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। तो मान के चलो कि मम्मी आपको 660 रुपए दी और आपसे बोले कि जाओ बेटा चीनी लेके आओ। आप गए यहाँ पे चीनी लाने, जो भी रेट रहा होगा, अभी रेट आपको कहीं नहीं मालूम है, ना पहले का रेट मालूम है ना बाद का रेट मालूम है, जो भी रहा होगा, हो सकता है 5 किलो, हो सकता है 7 किलो, हो सकता है 8 किलो, हो सकता है 10 किलो, जो भी इसमें मिले। 660 रुपए लेके गए आप, गए यहां से लेके दुकानदार को, लाला को आप वहां पे दिए उसे रुपए, उसने सामान दिया, लेकिन जितनी क्वांटिटी मम्मी ने बोला था, मान के चलिए कि एन केजी वो बोली थी आपसे कि आप एन किलो लेके आओ, है ना। अब जितनी मम्मी बोली थी वो उतना नहीं दिया, वो कितना दिया, 2 किलोग्राम कम दिया। क्यों दिया कम, इसको समझने के लिए, क्योंकि आपके जो दिमाग में भाव है, मम्मी को जो भाव मालूम था उससे भाव उसका बढ़ गया है। कितना परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे भैया 2 किलो हमें और दो, लेकिन लाला बोलेगा हम नहीं देंगे, अगर 2 किलो आपको और चाहिए तो हमें और रुपए दो। कितने रुपए दो, 10%, जो बढ़ा हुआ है वही रुपए तो वो मांगेगा। तो 10% किसका, 660 का, मतलब आपसे वो 66 रुपए और मांगेगा, बोलेगा कि अगर आप हमें 66 रुपए और दे दो तो आप जो 2 किलो चावल का डिमांड कर रहे हो वो मैं दे दूंगा। बात समझ में आई, इसका मतलब कि ये 2 किलो चावल कितने रुपए का है, 66 किलो का है, तो 1 किलो कितने का होगा, 33 का होगा, तो यही तो इसका नया मूल्य होगा, यही तो इसका मूल्य है। और अगर ये नया मूल्य है तो आप जान रहे हो कि ये मूल्य बढ़ा हुआ मूल्य है, तो पहले का मूल्य नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको इतना सोचना पड़े एग्जाम में, इतना कुछ करना पड़े, तो आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, गलत करोगे। कैसे आप इसे बचा सकते, या तो आप प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, या आपके पास कोई इतना अच्छा तरीका हो कि आपको उसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, जो आप लगाना नहीं चाहते हो, होता है फिर भी नहीं लगाना चाहते हो, तो फिर आप क्या चाहते हो कि एक सांचा मिल जाए, बस उसी में डाले, इधर निकालने मशीन है ना, एक मशीन में डाले, यहाँ पे क्वेश्चन डाले, वहां पे सॉल्यूशन निकले। तो बस उसी के लिए समझिए कि हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जो पिछली क्लास में बोले थे लास्ट क्वेश्चन में कि आज की क्लास में पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम सीखने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सीखिएगा कि क्या कहने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। चलिए अभी समझिएगा कि 10% बढ़ गया है, क्या, 660 रुपए में, 660 रुपए से 10% बढ़ गया है। तो अगर 10% बढ़ गया है, 10% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/10, मतलब 10 का एक हिस्सा बढ़ गया है। कहने का मतलब अगर पहले 10 था तो पहले 11। या अगर आपको ऐसे भी कंफ्यूजन होती है तो आप सीधा बोलो 10% बढ़ गया है तो पहले 100 था, पहले 100 था तो अभी कितना हो जाएगा,
110, है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे पलट देंगे और फिर यहां पे कर देंगे। पहली क्लास में सीखे थे कि नहीं सीखे थे कि हम कोई चीज लिखते हैं फिर उसे पलट देते हैं, तो 110 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अभी वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 10% बढ़ गया है जिससे 660 रुपए में 2 किलोग्राम कम चावल मिल रहा है। हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर कर लेंगे। यहां पे अंतर आपको 10 दिख रहा है तो 10 बराबर हो जाएगा 2, तो 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/5। और आपको चाहिए कितना, आपको यहां पे चाहिए ना, तो 110 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 10 = 22, यानी कि जो नया हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, मूल्य आपका 5। समझ में आ रही। तो यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि आखिर ये है क्या, कह क्या रहा है, इसे अच्छे से समझते हैं कि जब भी किसी दो चीजों का, जब भी किसी दो चीजों का गुणा हो रहा हो और उसमें वो कॉन्स्टेंट हो। हमने पहली क्लास में सीखा था ना कि अगर N1 और N2 दो नंबर हैं और इनका जो प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक चीज बढ़ रही होगी तो दूसरी घट रही होगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इतनी बात समझ आ रही, यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है, बस समझना है कि क्या यहां पे कांस्टेंट है। तो बोले चावल का दाम 10% बढ़ गया जिससे 660 रुपए में 2 किलोग्राम कम चावल मिला, चावल का पुराना नया भाव। हम यहां पे चावल की क्वांटिटी क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो अभी अगर दाम 10% था, एक बढ़ेगा, एक 100 था, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 110। यहां हम इसे लिख सकते हैं, ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 11। इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 11, ये हो जाएगा 10। हमें अंतर एक का दिख रहा है। अभी समझिएगा ये क्या है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस है और ये हमारा क्या, कंजप्शन, जो हम यूज कर रहे थे। तो 10 से 11 वो हो रहा है तो कंजप्शन हमारा कम होगा, हमें उसकी क्वांटिटी कम मिलेगी। क्वांटिटी लिखिए, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी कि नहीं, अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है। तो बस देखिए, अगर ये 10 था 11 तो हम इसे पलट देंगे 11 से 10, अंतर आपको दिख रहा है 1 और 1 बराबर आपका कितना है, 1/2। पहले 11 मिल रहा था, अब ये 10 मिल रहा है, तो पहले कितना मिल रहा था, पहले 22 मिल रहा था यहां पे, अभी आपको कितना मिल रहा है, 20। पहले 22 केजी मिल रहा था, अभी 20 केजी मिल रहा है, तो कितने में मिल रहा है, 660 में। अभी कितना मिल रहा है, 20, पहले कितना मिल रहा था, 660/22, तो पहले दाम कितना था यहां पे, 30, अभी दाम कितना है यहां पे, 33, यानी कि 30 और 33 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इससे करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा समय में ज्यादा लिया, लेकिन आगे के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप करते जाओगे। तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना देरी किए हुए, ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन और जल्दी से हम करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी का भाव 20% कम हो जाने से अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, चीनी का नया एवं पुराना भाव पता करें। तो नया एवं पुराना भाव हम उसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। फिर से क्या कह रहा है कि अगर भाई 20% कम हो गया तो पहले 100 था, अभी कितना हो गया है, 20 कम हो गया, 80 हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 काट के यहां पे 5 और 4, ये किसका है, ये प्राइस का रेशियो है, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। अभी देखिए क्वांटिटी आपको कितना, 1 यहां पे ज्यादा मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 ज्यादा मिल रहा है, तो 1:1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6। तो यहां पे 4 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब आपको पहले 24 केजी मिलता था, अभी कितना मिल रहा है, 30 केजी। कितने रुपए में, आपको 240 रुपए में, तो 240 में अगर 24 मिल रहा है तो पहले रेट कितना था, इसे कट करेंगे 10। ऐसे ही 240 में अभी 30 मिल रहा है तो रेट कितना हो जाएगा, 8, यानी कि कौन सा उत्तर हो जाएगा, 10 और 8। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन 8 और 10 भी है, और 10 और 8, ये कमी और वृद्धि लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहां पे 10 और 8 लिखा है, ये 8 और 10 लिखा है, तो 10 और 8 होगा, मतलब पहले कितना था 10, अब कितना हो गया है, 8, मतलब कि कमी हो रही है। वैसे भी तो बोल रहा है 20% कम हो रहा है, तो 10 का 20% कम करेंगे तभी तो 8 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इस पे करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा चीजें आसानी से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, इसे कहीं किसी और भी तरीके से लगा सकते हो, लेकिन हम उस तरीके को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिस तरीके से और भी कई सारे क्वेश्चन लगाते चले जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो हमने पहले क्लास से स्टार्ट किया था कि अगर दो नंबर का गुणा कांस्टेंट हो, उसमें एक चीज बढ़ रहा हो तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, तो हम उसे और भी क्वेश्चन में अप्लाई करते रहेंगे। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कैसे अप्लाई होगा ये कॉन्सेप्ट।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक मिनट पॉज करके आप लोग खुद भी लगाओ और आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो जैसे भी आप लगा सकते हो ऐसे लगाने की कोशिश करो, फिर मैं इसे बताता हूं। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी आप इसे प्रैक्टिकली सोचो। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो मैथ्स है जनरली ना वो सारा प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकल जैसे मैं बोलता हूं ना कि आप सब्जी लेने जाते हो तो आप ठेले वाले से जितना भी 100 ग्राम 50 ग्राम 30 ग्राम जो भी मांगते हो वो तुरंत ही दाम कैलकुलेट करता है। लेकिन अगर आपको वही दाम कैलकुलेट करना पड़े तो आपको लगता है अरे यार ये पता नहीं कैसे इतना तेज कैलकुलेट कर रहा है। बोलेगा कि भैया आप भिंडी मांगोगे उससे, भिंडी बोलेगा कि 25 रुपए का पाव है, है ना। आप उसे 100 ग्राम मांगोगे तो वो तुरंत अपने में कन्वर्ट कर लेगा। आप अदरक, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है जब आप अदरक लेते हो, लहसुन लेते हो, यहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन वो काउंट कर लेता है। आप चाहे उसे 50 ग्राम लो, चाहे उसे 30 ग्राम लो, चाहे उसे 100 ग्राम लो, उसकी मैथ आपसे ज्यादा तेज होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल मैथ होती है, व्यवहारिक मैथ होती है। और आप क्या, आप कोई एक्स वाई लगाते रहते हो, एक्स वाई नहीं लगाना, यहाँ पे सोचना है। अभी अगर इसे हम प्रैक्टिकली तरीके से सोचे, ऐसा सोचे कि अगर हमारे सामने एग्जाम्पल रखा है, हमारे सामने पानी रखा है, हमारे सामने सोल्यूशन रखा है, तो हम कैसे सोचेंगे। अभी देखिएगा क्या कह रहे हैं कि दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में कोई भी धातु है, मैं समझ लूं कि एक हमारे पास कंटेनर है और इसमें दो धातु हैं, ठीक, और ये इसमें टोटल जो दो धातु हैं इसके जो पूरा वेट है वो कितना है 25 ग्राम है। बोले 40% पहली धातु है। भाई अगर 25 ग्राम में पहली धातु 40% है तो 40% इसका कितना हुआ 25 × 100, मतलब कि 10 ग्राम क्या हो जाएगा पहली धातु हो जाएगा, तो दूसरी धातु कितनी हो जाएगी 15 ग्राम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब क्या करें कि दूसरी धातु को कितना कम कर दिया जाए, यह हमारा पहला है और यह हमारा दूसरा है, इसे कितना कम कर दिया जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। तो इसे मैं कितना कम कर दूं कि इसके बराबर 50 मतलब क्या 1:1 के रेशियो में आ जाए, यानी कि इसमें 5 अगर कम कर दिया जाए तो यह भी 10 बचेगा, यह भी 10 बचेगा, 1:1 के रेशियो में हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो ये तो हमारा जनरली व्यवहारिक है कि कैसे हम सोचते हैं, और ये ऐसे नहीं आएगा, ये अब जब आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, जब बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे तब आपका प्रैक्टिकल मैथ बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। ऐसे सोचो कि अगर हम सोचे क्वेश्चन देखें और तुरंत सोच के लगा ले, नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए मैं पहले भी बता रहा हूं, अब भी बता रहा हूं कि टीम की तरफ से आपको एक तो क्लास में प्रैक्टिस सेट दी जाती है, इसके बाद क्लास होने के दूसरे दिन एक और आपको करीबन 15 से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, ताकि आप उसे लगाओ सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम क्वेश्चन पे, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, है ना, इंटिट्यूटिवली हर चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो चलिए, अच्छा ये तो हमारा प्रैक्टिकल तरीके से था, अगर हम इसे कॉन्सेप्ट पे लगाएं तो कैसे लगाएंगे एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट पे हम लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट में बार बार इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे तरीके को, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, तरीका वही बेहतर होता है। देखिए आप किसी भी रास्ते बहुत होते हैं किसी भी जगह जाने के लिए, लेकिन उसी रास्ता को चुनना चाहिए जो रास्ता सबसे आसान हो, जो सबसे आसान हो और सबसे अच्छा हो। तो देखते हैं अगर इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या बोले दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। अभी समझिएगा यहां पे मैंने आपसे कॉन्सेप्ट क्या कहा कि कोई दो नंबर का n1 × n2 का गुणा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूं, यही बोल रहा हूं कि दो नंबर n1 और n2 का गुणा कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में मुझे ढूंढ के बताओ कि कहां दो चीजों का गुणा हो रहा है, दिखेगा आपको नहीं दिखेगा? तो बोलोगे सर आप कैसे देख ले, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करोगे आप भी देख लोगे। अभी मैं दिखाता हूं कि यहां पर दो चीजों का गुणा कैसे है। क्या करें, दो धातु है, एक 40% है और दूसरा क्या है 50%। मैं कह रहा हूं कोई भी धातु में उठा लू, कोई भी धातु उठा लू, मैं मान लो पहला वाला धातु उठा लूं और उसका मुझे परसेंटेज निकालना हो, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या, उसका अगर मुझे ये निकालना हो कि पहले धातु का वेट कितना है, तो क्या करूंगा मैं 40% को किससे गुणा करूंगा, टोटल क्वांटिटी से 25 से, 40% और 25 भी तो निकालूंगा पहले धातु का वेट निकालने के लिए। समझ में आ रहा है, पहले धातु का भार कितना है ये तो निकालूंगा। तो ये दो चीजों का गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसका किसका, एक परसेंटेज का गुणा हो रहा है और एक टोटल क्वांटिटी, किसका, एक परसेंटेज का गुणा हो रहा है और एक टोटल क्वांटिटी का गुणा हो रहा है। यहां पे सी से लिख दूं मैं, टोटल क्वांटिटी का। अब देखिए
अगर हम परसेंटेज का और इसका टोटल क्वांटिटी का गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें पहले वाले का टोटल वेट पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। बस अगर और टोटल वेट पहले वाले का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु को कितनी कम कर दी जाए। अगर हम दूसरे को कम ज्यादा कर रहे हैं तो पहली वाली धातु हमारी कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज इनटू टोटल क्वांटिटी यहां पे हो जाएगा। तो चलिए अब यहां पे हम इसे लगा देते हैं। भाई परसेंट कितना था पहले, 40%। लेकिन वो क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि पहले तो 40% है, दोबारा कितना हो जा रहा है, 50%। तो ये 40% से कहां चला गया, 40 से हो रहा है 50, तो टोटल क्वांटिटी का रेशियो कितना बदलेगा, 50 और 40। समझ रहे हैं, परसेंटेज का रेशियो बढ़ रहा है तो टोटल क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, कम होगा। ये 4 से 5 हो रहा है तो वो क्या होगा, 5 से 4। समझिएगा बात को, अगर परसेंटेज का रेशियो 4 से 5 हो रहा है तो टोटल क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, 5 से 4 होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब कह क्या रहा है, वो बोल रहा है कि कितनी कम कर दी जाए, मतलब उसका अंतर ही तो पूछ रहा है, ये एक का जो अंतर है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि पहले कितना था, 25 था, तो इस 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 25, तो एक के बराबर क्या आ जाएगा, 5, और 5 आपको जहां पे भी ऑप्शन में दिखे वहां पे क्या कर दो, टिक कर दो। समझ में आ रहा है बात, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और अगर इस पे हम लगाएंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मैं फिर से इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करता हूं, देखिएगा कितना तेजी से लगेगा जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई कितना था, 40% से कितना बढ़ रहा था, 50%, तो मैं बोलूंगा कि 4 से 5 चेंज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी 5 से 4 चेंज हो गई, तो एक का अंतर बराबर, हमें पता करना है एक का अंतर 5 बराबर 25, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 5 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो इतना जल्दी आपका लग जाएगा, कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा जब आपका इस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है, दो नंबर का गुणा। आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से बस यही सोचना है, क्वेश्चन को पहचानना है कि भाई दो चीज का गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कहां से करोगे, सीट से करोगे जो आपको टीम के द्वारा अवेलेबल की जाती है। तो क्लासेस में सारे सब बताए जा रहे हैं, सीट में आपके सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पूरी क्लास ओवर होने के बाद और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि एकदम रम जाएं आप, एकदम ऐसे समझिए कि कहीं भी बैठे हो तो मैथ मैथ दिखाई दे, परसेंटेज परसेंटेज दिखाई दे, कुछ भी सोचे, डिजिट ऐसे सोचे कि तुरंत उसका परसेंटेज निकाल दें। बात मतलब किसी बात का तो परसेंट में बात करें, है ना, हो सकता है धोखा भी हो जाए आपको उसके साथ, लेकिन फिर भी चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसी कॉन्सेप्ट पे, ऐसा नहीं इसे हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, प्रैक्टिकल में ऐसे तो लगा ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो बहुत अच्छे से बहुत कम समय में लगा ले। इसको हम थोड़ा कम समय में लगाएंगे। क्या बोल रहे हैं, एल्कोहल और पानी के 10 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, उसमें कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी 10% हो जाए। अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो पानी फिक्स है, पानी फिक्स है मतलब पानी कॉन्स्टेंट है, तो पानी का हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20% से पानी कितना चेंज हो रहा है, 10%, यानी मैं बोलूंगा चेंज कितना हो रहा है, 2 से 1, तो इसे पलट देंगे तो हमारा टोटल क्वांटिटी का फर्क पड़ जाएगा, नहीं पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा कितना चेंज हो रहा है, 1, तो 1 रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि भाई इनिशियल में भी तो 1 था, इनिशियल में आपका 1 था, वही तो बोला है 10 लीटर, बाद में आपका क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 20 लीटर, तो अगर 1:10 तो वही आपका उत्तर आ जाएगा। तो इतना जल्दी हम लगा लेंगे एक लाइन में, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना हवा में सोचोगे अरे यार इससे आसान क्या हो सकता है, 20 से 10 हुआ, 2 से 1, 1 से 2, अंतर 1 का और 1 बराबर ही 10 है, तो वही हमारा उत्तर आ जाएगा, फटाक से आप लगा दोगे। तो ये हमारी स्पीड बनेगी जब हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लेंगे। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसे सीख के ही फिर यहां से जाना, कुछ भी हो जाए एकदम पढ़ ले लो कि जब तक आएगा नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। कहां से, वीडियो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विशेष प्रकार के ताजे फल में पानी की मात्रा 75% है, तथा फल के सूखने पर उसमें पानी की मात्रा 25% रह जाती है। याद करें 80 किलोग्राम ताजा फलों में कितना सूखा फल प्राप्त होता है। भाई साहब ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। यकीन मानो अगर आप परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किए होंगे कहीं से, तो ये टाइप के प्रश्न आपको सबसे पहले दिख गए होंगे, या कोई भी आपका जो सीनियर होता है ना, परेशान करने आते हैं, अपनी ज्यादा बुद्धि दिखाने आते हैं, लगता है कि वो ज्यादा पढ़े हैं आपसे, मतलब
ऐसा समझिए कि आपका थोड़ा बुद्धि चक्कर में आते, तो वो आपसे ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन रखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बताओ तो जाने कि तुम्हें कुछ आता है। अगर ये इसका मतलब आप कुछ भी पढ़े हो, आप कुछ भी आता ये क्वेश्चन नहीं बता पाए, तो आप एकदम बुद्धू हो उनके नजर में। खैर, ऐसे भी सीनियर के पास, सीनियर के लिए हमारे पास दवा है कि हम कैसे उन्हें इसका जवाब दें, कितनी जल्दी से दें। इतना अच्छा तरीका फिर आप नहीं देखे होंगे। पहले हम इसे इस कॉन्सेप्ट पे लगाते हैं जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया हूं, फिर हम इसे थोड़ा दूसरी तरीके से सोच के दिखाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एक विशेष प्रकार के ताजे फल में पानी की मात्रा 75% होती है तथा फल के सूखने पर उसमें पानी की मात्रा 25% रह जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, पानी सूख जाए या पानी रहे, क्या कॉन्स्टेंट है? फल कॉन्स्टेंट है ना। कौन सा? मतलब जो फ्रूट होगा, अरे एक तरबूज है, तरबूज में पानी भी है और उसका गूदा भी है, फल भी है ना। तो पानी सूख जाए तो क्या हुआ? फ्रूट तो उतना ही रहेगा, बस वही बात कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि ताजे फल में पानी की मात्रा 75% है, पानी 75 है तो फल कितना है? 25 होगा। और दोबारा फल कितना बच रहा है? फिर क्या बोल रहा है? फल के सूखने पर उसमें कितना पानी बचता है? 25। पानी 25 बचता है तो फल कितना बचेगा? 75। तो बस ये चेंज हो रहा है 1 से 3, तो आपका ये कितना चेंज होगा? 3 से 1। अभी क्या कह रहे हैं, ज्ञात करें 80 किलोग्राम ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। तो भाई पहले आपका कितना था? 3। आप 3 बराबर क्या कर दोगे? 80। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 80/3। और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। समझे ये क्वेश्चन कितना आसानी से लगा दिए इस कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया फल है, जो फ्रूट है, गूदा है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो उसका परसेंटेज हम कांस्टेंट कर लेंगे। अभी फिर से देखिए, अगर समझ में ना आ तो मैं बता दूं, ये है आपका पल्प, जिसे पल्प बोलते हैं ना, गूदा बोलते हैं हिंदी में। पल्प का परसेंटेज इनटू टोटल क्वांटिटी, और ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जब परसेंटेज कम होगा तो टोटल क्वांटिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? टोटल क्वांटिटी बढ़ेगी, तो वही तो आपका हो रहा था। और अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। परसेंटेज कितना हो रहा था? 25% से कितना हो रहा था? 75। यानी कि 1 से हो रहा था 3, और अगर ये 1 से 3 हो रहा था तो ये क्या होगा? 3 से 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भैया यहां पे चेंज हो रहा है आपका क्या? टोटल क्वांटिटी, और पहले क्वांटिटी अभी कितना, इस वाले की क्वांटिटी कितनी थी? 80 थी, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 80/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है लगाने के लिए। अगर इसे हम थोड़ा व्यवहारिक देखते तो कैसे लगाते, इसे भी समझ लेते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं, अरे सर ये अगर ऐसा हमें से नहीं लग पाया तो हम कैसे लगाएंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हम इसे दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का सिंपल सा ये बोल रहा है कि भैया एक विशेष प्रकार के ताजे फल में पानी की मात्रा 75% है ना। कैसे लगाएंगे समझते हैं। सपोज करिए कि आपका जो पूरा ताजा फल है वो कितने का है? 100 ग्राम का है। इतना तो मान सकते हैं ना, परसेंटेज पढ़ रहे हो भाई। 100 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 500 मान सकते हो, आपके जो दिमाग में है वो मान सकते हो। आपका, आपकी मैथ है, आपकी बुद्धि है, जो मन है वो मानो। कौन रोक लेगा आपको? कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा मन है, मैं 100 मान लिया, आपका मन है 500 मान लो। तो अगर हम 100 मान ले तो बोल रहा है ये कौन है? ये फ्रेश फ्रूट है, ताजा फल है, 100 ग्राम। इसमें बोल रहा 75% पानी है, तो इसका मतलब 75 ग्राम क्या है इसमें? पानी है, वाटर है। तो 25 ग्राम क्या होगा? पल्प होगा। इतनी तो बात समझ में आ रही है। अब क्या कह रहे हैं, 80 किलोग्राम ताजा फलों में कितना सूखा फल प्राप्त होगा? यहां पे वो सूखा फल पूछ रहा है ना, पल्प नहीं पूछ रहा है, सूखा फल, ड्राई फ्रूट की बात कर रहा है। तो अभी देखिएगा, 80 किलोग्राम में अगर हम पल्प निकालें तो कितना मिलेगा? 80 का 25% ही तो, और 80 का 25% कितना होगा? 1/4, यानी कि कितना? 20। समझिएगा बात को, 20 मिलेगा है ना। 20 आपका क्या है? पल्प है, कितने में? 80 ग्राम फ्रूट में 20 ग्राम आपका क्या है? पल्प है। लेकिन अगर हम इसे ड्राई फ्रूट से कंपेयर करें तो ये जो 20 ग्राम है पल्प, ये कायदे से, अभी देखिएगा, ये कायदे से ड्राई फ्रूट में 25% ही पानी रहता है, तो पल्प कितना रहेगा? 75%। यानी कि ये 20 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 20/75 × 3/4 हो जाएगा,
25 चौके 100, 25 तीन 75, यानी कि कितना आ जाएगा 80/3 आपका फिर से उत्तर आ गया। तो ये तरीका है, आप चाहे कंपैरिजन से लगा लो, आप चाहे उससे लगा लो। और हमने जितनी भी क्लास, ये चौथी क्लास है, चौथी क्लास में उन सारे मेथड को देख लिया है, उन सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया है कि परसेंटेज चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, सब बहुत आसानी से होगा। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे लगाते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी यहां पे भी सेम लगेगा, कैसे? देखिए, 12 से कितना हो रहा है 10, यानी कि 6 से हो रहा है 5, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 6। कितना बढ़ रहा है आपका? 1 बढ़ रहा है, और 1 बराबर कितना? 1.2। यहां पे बढ़ने की बात कितना कर रहा है? 1.2। तो 1 बराबर 1.2, तो अभी बढ़ के कितना हो गया? 6 बराबर आपका कितना उत्तर आ जाएगा? 7.2, यानी आपका उत्तर सही होगा। कितना आसानी से लगा रहे हैं अभी बच्चों, सर ये क्या कर रहे हैं सर, जादू कर दे रहे हैं, इतना जल्दी कर दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आप इतना समझो कि जब भी ऐसे प्रश्न में परसेंटेज दिया हो, अगर वो बढ़ रहा है या घट रहा है, आप ऐसे लिखो और इसको पलट दो, यहाँ पे 10-12 लिख दो, है ना, जैसे भी कहो, इसे चाहे सिंप्लीफाई कर लो, इसे चाहे ऐसे लिख लो, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आपको यहां पे अंतर कितना दिख रहा है? 2 का। तो आप बोलोगे 2 मेरे 2 बराबर क्वेश्चन का कितना? 1.2, क्योंकि आप यहां पे बढ़ा रहे हो और क्वेश्चन यहां पे बढ़ा रहा है, यहीं पे तो बढ़ा रहा है, तो 2 बराबर आपके 2 बराबर उसका 1.2, तो आपके 12 बराबर कितना? आपके 12 बराबर 1.2 अपॉन 2 गुणे 12, ये 6, यानी कि कितना? 7.2। तो इतना आसान है आपका, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, बहुत अच्छा है, एकदम सब कुछ समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बिना समय को गंवाए हुए। समय के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविता अपनी कुल आय का 5%, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है लेकिन मिक्स खाएगा, अभी हम इसका यूज बताएंगे, करते हैं इसे। कविता अपनी कुल आय का 5% निर्धन कोष में दान करती है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करती है, अंत में उसके पास 1919 बच जाते हैं, इसकी आय कितनी है? क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत सारे क्वेश्चन सब पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। हम ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसकी आय क्या है 100। क्वेश्चन साथ में देखते चलेगा ताकि समझ में आए। कविता अपनी कुल आय का 5% निर्धन कोष में, मैंने पहले क्लास में बोला था कोई चीज अपने आप में क्या होती है 100%, तो उसका मान के चलिए कि जो आय थी वो कितनी 100%, 5% निर्धन कोष में जमा कर दे रही है, 5% यहां से निकल गया तो बचा कितना 95%, बचा के नहीं बचा। अब इस 95% शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा कर दे रही है, इसका 20% बचत बैंक में जमा कर देगी, तो 95 का 20% 95.95, अगर 10% निकालेंगे और 20% मतलब कि 19, 95 में से 19 माइनस कर देंगे तो सीधा 20 माइनस करें तो 75, एक बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 76, यानी कि इसके पास बचा कितना 76%। अब वो बोल रहे कि इसके पास बच कितना रहे, अंत में उसके पास 1919 बच जाते हैं, आपके पास 76% बच रहा है, उसके पास 1919 बच रहा है, तो कंपैरिजन लगा डालिए यहां पे, क्योंकि आपने सीखा है आपके 76% बराबर क्वेश्चन का 1919, तो आपके 100% बराबर नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे 1919/76 × 100। अच्छा, बहुत लोग यहीं पे परेशान हो जाएंगे, सारी परेशानी उनको यही दिख जाएगी, अरे सर जी अब क्या करें, इसे काटे कैसे? अरे काटना है भाई, सांप थोड़ी हो, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे 76 को 5 बना सकते हो, 75 लिख सकते हो, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? और इसे 3 से इसे कट कर लो, तो 3 ऊपर कर ले इसे, 1919 को 3 से कट करेंगे तो 3 × 6 = 18, 1 × 11 = 3, 3 × 9 = 2, 29, 3 × 9 = 27, जो भी आएगा पॉइंट कार्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में लिख रहे हैं, तो 639 × 4 कर सकते हो, कर लो, 9 × 36 = 6 हासिल है, 3 × 4 = 3, 12 × 3 = 15, 5 × 1 = 6, 24 × 1 = 25, 2556 आपका उत्तर आ रहा है। ऑप्शन में देख डालो कि सबसे करीब 2556 के कौन सा है, तो आपका ये डी है, यानी कि यही सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 100 मान लेंगे और जितना परसेंट होगा उतना निकालते जाएंगे। एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं साथ साथ में बता देता हूं आपको, पहले ही बता देता हूं यहीं पे, हाँ यहीं पे मैं साथ में बता देता हूं ताकि आप इसे और कैसे कर सकते हो। अभी 1919 लास्ट में बच रहे हैं, आप उसे मान के चलो क्योंकि x से बहुत प्यार होता है आपको, x इतना जल्दी आप छोड़ पाते नहीं हो, है ना, जो लोग पढ़ जाते हैं वो x को छोड़ नहीं पाते, खैर चलिए,
एक्स मान के चलिए कि वो पूरी क्या थी, उसकी आय क्या थी, एक्स थी, अगर उसका 5% निर्धन को उसमें जमा कर दी तो उसके पास बचा कितना, 95। तो 95% बचा, उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 95/100। फिर कितना कर रही है, 20% बचत बैंक में, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसके पास बचेगा कितना, 80/100। और ऐसा करने पे उसके पास बच कितना रहा है, 1919। तो हम यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 5 इससे काट दीजिए, 19/20 है ना, अभी भी 4 से कट जाएगा, कट कर दीजिए, 4 × 8, 4 × 5 = 20, 2 × 5 यहां पे कट जाएगा, यानी 25 यहां पे आएगा, 19 यहां पे आएगा, और 19 का 19 यानी 101 से कट जाएगा, और 101 से 25 से करेंगे तो आपको कितना जाएगा, 2525। भाई 19 को 101 से कट करोगे तो यही तो आएगा 1919, और 101 को 25 से करोगे तो उत्तर क्या जाएगा, 25×25। ठीक, तो ये हमारा 25×25 उत्तर आ जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, तो तरीका दोनों आपके पास है, आप जो भी चाहो वो लगाओ, वो कंपैरिजन का तरीका है, ये सारा एकदम सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है, दोनों तरीके, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछा था लेकिन सिंपल से एक मैं करवा दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे आधारित एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है, मैं वो क्वेश्चन इसलिए रखा था ताकि आप ये क्वेश्चन कर पाओ। परेशान मत होइएगा, भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर एकदम बेसिक नहीं कर पा रहे, तो पहली बात मैं उन्हें बता दूं कि आप ये चौथी क्लास कर रहे हो, अगर आपको एकदम बेसिक समझना है तो आप पहली क्लास करो, दूसरी क्लास करो, तीसरी क्लास करो, चौथी क्लास करो, फिर ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। जिन्होंने तीनों क्लास किया ना, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप समझोगे कि हाँ मेरा लेवल बढ़ता चला जा रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं देखता चला जा रहा हूं। चलिए, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, खर्च दो बार लिख गया है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं ना, तुरंत निकालना शुरू कर देते हैं, और यकीन मानिए ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 12 सेकंड का है अगर आपकी साउंड प्रैक्टिस है तो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसमें कम से कम 1 मिनट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, और मैं खास बात बता दूं कि TCS का ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट हो चुका है, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके एग्जाम में फिर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तो इसे हमें सीखना है और बहुत अच्छे से सीखना है, पूरी एनर्जी लगा के सीखना है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है, अभी समझिएगा, और उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने % है। मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करेगा, अगर आपके पास जो भी तरीका है सब भूल जाइए, सब भूल जाइए। यहाँ पे देखिए, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में आप लगाएंगे, है ना, एकदम दावे के साथ कह रहा हूं, ये नहीं कि केवल हवा में फेंक रहा हूं बातें। अभी उसने क्या कहा पहली लाइन में कि 75% खर्च कर देता है, 100 में से कोई भी चीज अपने आप पे 100% कितना खर्च कर देता है, 75%। अगर इस 100% को मैं 4 भागों में तोड़ू तो 75% कितना हुआ, 3 भाग हुआ। अरे सिंपल सा भैया, 75% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 75/100 एक एक बात बतानी पड़ेगी, तो 25 × 75 = 100, मतलब 4 भाग में कितना भाग, 3। अगर वो 4 कमाता है तो 3 क्या कर देता है, खर्च कर देता है। बस यहां से हमारा सॉरी लॉजिक कराया। अब देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, फिर बहुत ही आसान हो जाएगी चीजें, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है। अभी देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा इनकम और यहां पे लिखूंगा एक्सपेंडिचर, जो खर्चा करता है वो कमाएगा और उसमें से अपना खर्चा निकाल देगा, तो उसका क्या बचेगा, बचत बचेगी कि नहीं बचेगी, सेविंग। भैया आप 100 रुपए कमा रहे हो, आप 30 रुपए खर्च कर दो तो आपकी बचत कितनी है, 70 है ना, 100 में से 30 माइनस कर दोगे तभी तो आपको 70 मिलेगा बचत, समझ में आ रही बात, बस यही यहां पे भी है। तो अभी देखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, समझिए ये मैंने 4 पोर्शन लिख लिया, 4 पोर्शन में क्या है कि उसने 3 पोर्शन को खर्च कर दिया, 1 पोर्शन आपका बचा हुआ है। अभी क्या कह रहे हैं कि जो इनकम है वो कितनी बढ़ जा रही है, इनकम उसकी आय 75%, उसकी आय 60% बढ़ जाती है, तो आय 60 बढ़ जाती है, तो मैंने 60 यहां बढ़ा दिया, 60 यहां बढ़ा दिया, 60 यहां बढ़ा दिया, 60 यहां बढ़ा दिया, सभी पार्ट में बढ़ेगा तभी तो टोटल आय बढ़ेगा। अब समझिएगा, वो बोल रहे हैं कि 70% उसका खर्चा बढ़ जाता है, तो खर्चा कहां कहां कर रहा था, यहां कर रहा था, यहां कर रहा था, यहां कर रहा था, मतलब यहां पर भी 70 खर्चा, यहां पर भी 70 खर्चा, यहां पर भी 70 खर्चा, यहां पे 70 खर्चा है क्या, नहीं, इस वाले पार्ट में तो खर्चा कर ही नहीं रहा है, मैंने पहले ही बोला था ना, यहां पे एक्सपेंडिचर है उसका,
यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, ये तो इसकी पूरी सेविंग ही है, वो तो बचा ही रहा है, वो खर्चा नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे 70 बढ़ गया खर्चा, यहाँ पे 70 हुआ, यहाँ पे 70 हुआ, उसका खर्चा बढ़ गया। अभी बताइए वो बोला कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई, है ना, बचत की बात कर रहा है। यहाँ पे सेविंग है, आया 60 और खर्च कर दिया 70, तो 10 कहीं अलग से खर्च किया या नहीं खर्च किया? ऐसे आया 60 खर्च कर दिया 70, मतलब 10 कहीं और से लाया। आया 60 खर्च कर दिया 70, मतलब 10 कहीं और से लाया। तो ये लाया कहां? यहां से लाया, क्योंकि यहां पे आया है 60 और जा तो कुछ रहा ही नहीं है, तो ये जो 10-10 खर्च हो रहा है ये यहां से ले रहे हैं, तो टोटल कितना खर्च हो रहा है? 30। तो 60 में से अगर 30 माइनस कर दे तो बचेगा कितना? 30। यानी कि आपका जो सेविंग होगा वो क्या होगा? 30% बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी मेथड से करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, परेशान मत होइए। और समझ में आते जाए ना तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, हालांकि अभी लाइव नहीं है, लाइव में तो आपसे मैं चिल्लवा लूंगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहां पे आपको तब तक बताते रहना है जब तक मैं आपका कमेंट ना देख लूं कि समझ में आ गया। और बराबर मजा भी आता रहना चाहिए, जब तक मैथ में मजा नहीं आएगा तब तक मैथ आएगी नहीं, सही बात बता रहे हैं आपको। एकदम दिमाग में वो बोलते नहीं है, बांध लीजिए कहीं पे गांठ। रवि प्रत्येक महीने 15,000 कमाता है और इसका 80% खर्च कर देता है, समझिएगा 80% खर्च कर दे रहा है। इसे फ्रैक्शन में लिखें, परसेंट हटाने के लिए नीचे आएगा 100, तो ये 0 0, ये 4 और 5, मतलब अगर 5 कमाएगा तो 4 खर्च कर देगा। मैं आपको उसी तरीके समझाता हूं, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या बनाऊंगी इसे, 5 5 स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, है ना। यहां पे आपकी क्या है? इनकम। यहां पे क्या है? एक्सपेंडिचर। आया कितना आप ही लोग बताओगे? कितना आया भाई? भुगतान में संशोधन होने के कारण उसकी मासिक आय 20% वृद्धि हो जाती है, मतलब यहां पे 20 बढ़ा, यहां पे 20 बढ़ा, यहां पे 20 बढ़ा, यहां पे भी 20 बढ़ा और यहां पे भी 20 बढ़ा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दिख रहा है ना, अगर 20 बढ़ रहा है तो सब में बढ़ेगा। एवरेज में ये कॉन्सेप्ट हम और अच्छे समझेंगे, बड़ा मजा आने वाला है, एक एक चैप्टर मजा आएगा। तो 20 सब में बढ़ेगा। अब क्या बोल रहे कि एक्सपेंडिचर, लेकिन आय बढ़ने से उसे 20% अधिक खर्च करना पड़ा, खर्चा भी 20% कर रहा है, तो 20 यहां पे खर्चा करेगा, 20 यहां पे करेगा, 20 यहां पे करेगा। यहां पे खर्चा करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि 5 पार्ट में से 4 ही में तो खर्चा कर रहा था, ये वाला पार्ट तो उसका सेविंग का था। तो बस जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया, यहां पे भी जितना आया उतना गया, तो इसकी सेविंग कितनी हुई? 20%। सेविंग कितनी हो गई? 20%। तो क्या बोला, उसकी नई बचत क्या है? अब जो यहां पे बचा, भी आपने देखा यहां पे जो रिजल्टेंट आया वही तो उसकी नई बचत होती है, तो उसकी नई बचत क्या हो जाएगी? 20% बढ़ जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। तो अगर 20% बढ़ गई है तो भाई देखो 20% बढ़ गई है, लेकिन यहां पे पूछा क्या है? बोला कि उसकी नई बचत है क्या? वो रियल वैल्यू में पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि उसने 15,000 दे रखा था। तो आप बस 20% निकाल लो भाई, पहले 80% खर्च कर दे रहा था तो बचा कितना लेता? 20%। 15,000 का 20% कितना हो जाएगा? 15,000 का 20% निकालेंगे तो 3,000 पहले बचा रहा था, और इसी बचत का 20% और बढ़ गया, इसी बचत का 20% और बढ़ गया तो 600 और बढ़ गया, तो 3,000 पहले का, ये 3,000 है, 3,000 पहले का और 600 आपका, यानी कि 3,600 उसकी क्या हो जाएगी? नई बचत हो जाएगी। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका है आप इसे करें। अच्छा, अब इसे आसानी से लगाने के लिए क्या करते हम यहां पे कोई जरूरी स्ट्रक्चर बनाते भाई? आप देखें कि 80% आपका क्या हो रहा है, खर्च कर दे रहा है, तो आपको मालूम है इसका फ्रैक्शन 4/5 के बराबर होता है। फ्रैक्शन पहली वाली क्लास आप देख लीजिएगा, किस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आता चला जाएगा। नहीं समझ में आता है तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 ही आएगा, यानी 5 अगर कमाता है तो 4 खर्च कर देता है। आप समझिएगा, 4 पार्ट में आपका क्या होगा? एक्सपेंडिचर, 1 पार्ट में सेविंग, कुछ नहीं करना, बस आपके दिमाग में ये चल रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि 20 आपकी इनकम आ रही है, 20% आपका इनकम बढ़ रहा है और 20% आपका क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर। तो हर जगह 20-20 बढ़ेगा, 20-20 तो कैंसिल आउट कर देगा, लास्ट वाला 20 करेगा, बचा रह जाएगा, यानी कि आपकी बचत क्या हो रही है? 20% बढ़ रही है। तो अगर 20% बचत बढ़ रही है तो फिर क्या, 20% अगर बचत बढ़ जाएगी तो आपको निकाल लो कि 20% 600 के बराबर और 3000 में जोड़ दोगे तो कितना जाएगा? 3600 का उत्तर आ जाएगा। तो ये हम कंपेयर कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, मन में ही इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन की कीमत 6,250 रुपए है, इसमें प्रथम वर्ष 10% की कमी, दूसरे वर्ष 20% की कमी तथा तीसरे वर्ष 30% की कमी है, तो 3 वर्ष पश्चात मशीन की कीमत ज्ञात करें।
सिंपल सा है, अभी जैसे हमने किया नहीं था कि वो लड़की होती है 5% फीस जमा करती है, 20% की जमा करती है, वैसे यहाँ पे भी लगा लेंगे। शुरुआत में 6250 है, अभी ये बोल रहा है कि प्रथम वर्ष कितनी कमी हो रही है 10%, तो कमी हो जाएगी 10% तो बचेगी कितनी 90%, यानी 90% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 90/100। ऐसे 20% फिर कमी हो रही है तो यहाँ पे बचेगा कितना 80%, यहाँ पे लिखेंगे 80/100। फिर क्या कह रहा है कि 30%, तो 30% कमी हो जाएगी तो बचेगा कितना 70, यहाँ पे लिख देंगे 100। समझ में आया? हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, भाई कोई चीज 100% थी उसमें से 10% कम हो गई तो बचेगी कितना 90%, और अगर 90% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 90/100 ही तो लिखोगे, यानी कि जब 10% कम हो गया तो 6250 का कितना बचा 90/100 बचा। अब समझिएगा, ये हमारा नया, ये पहला साल खत्म हो गया, इतनी कीमत हो गई हमारे मशीन की, दूसरे साल इसी का 20% और कम हो गया, तो इसका 20% और कम हो गया तो उसका कितना बचेगा 80%, तो हमारे दूसरे साल की कहानी पूरी हो गई। तीसरे साल में क्या होगा, इसका 30% और कम हो गया तो इसका 30% और कम हो गया तो बचेगा कितना 70%, तो इसका 70% कितना हो जाएगा 70/100, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है आपके। अच्छा, यही पता करना है कि नई कीमत क्या होगी, तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे ताकि बच्चे बच्चे को यहां पे समझ में आ जाए। पहले इसे हटा लेते हैं, अभी देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 0 0 तो हर जगह कट कर दीजिए, यहां भी कट कर दीजिए, है ना। ये 2 4 8, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 5 × 5 × 5 125, और 125 × 5 625, यानी कि इसे पूरा कितना कटेगा 50 बार कट करेगा आपका। 50 × 9 × 7, यानी 50 × 63, इसी को कर ले तो 5 3 15 के 5 कैरी है, 1 6 5 30 31, यानी 3150 आपका क्या हो जाएगा उत्तर। कहां दिख रहा है? ऑप्शन सी में आपका दिख रहा है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत हम कैलकुलेशन में भी दिमाग लगाएंगे, कहां पे समय बचा सकते हैं। हम उसमें बात करेंगे कि अगर हम किसी को गो थ्रू ऑप्शन जाए, हमें सिंप्लीफिकेशन ही ना करना पड़े, कितना अच्छा हो जाए कि मैथ का आपके सामने प्रश्न आए एग्जाम में और आपको उसे बिना लगाए उत्तर मार दे। इससे अच्छा सुख कहीं, सुख की प्राप्ति हो सकती है? इससे बड़ी विजय कोई हो सकती है? कोई नहीं हो सकती, कि आपको करना भी ना पड़े और आपको उसका पूरा फल भी मिल जाए। तो बस ऐसा हो सकता है अगर आप दिमाग लगाना सीख जाओ। दिमाग होता सबके पास है लेकिन लगा कोई नहीं पाता, और जो लगा ले जाता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है, जिसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है उसका फिर वाह वाह क्या बोलना। तो हम सीखेंगे, हमें देखिए कोई भी प्रश्न करने से हमें सामदान दंडवे सब लगाना है, हमें हर तरीका लगाना है, वो चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन का हो, आप गो थ्रू ऑप्शन से लगा सकते हो कहीं पर समय बचा सकते हो, वो चाहे आपका कॉन्सेप्ट कोई बहुत बेहतर हो। और एक बात और दिमाग में रखिए, कभी भी मैथ में ये मत सोचेगा कि एक ही फॉर्मूले से मैं सारे क्वेश्चन लगा लूं, एक ही तरीके से सारे लगा लूं, जो आपकी क्लिक कर जाए, जो आपको सबसे आसान लगे उससे लगाने की कोशिश करेगा, यकीन मानिए मैथ आपके दोस्त बन जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप स्टेप बॉन रहेंगे कि नहीं मुझे इसी पर्सन से करना है, इसी मेथड से करना है, तो मैथ बुरा मान जाएगी, और मैथ बुरा मान जाएगी तो मैथ कभी नहीं आएगी, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में इतिहास विषय में 80% तथा भूगोल विषय में 85% छात्र पास होते हैं, 75% छात्र दोनों विषय में पास होते हैं, यदि दोनों विषयों में 40 छात्र फेल होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताएं। अभी देखिए जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे हम विविध टॉपिक पे आ रहे हैं, मिसलेनियस टॉपिक पे आ रहे हैं, तो ये हमारा एक मिसलेनियस का टॉपिक है। हालांकि ये जो पार्ट है ये रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं वेन डायग्राम टाइप में, लेकिन मैं फिर भी परसेंटेज का था तो उठा लिया हूं आपके लिए, ताकि आप ये मत बोलो सर जी बिना बताए निकल गए। अभी तक हम लोगों ने 4 पूरे 4 जो भी क्लास है उसमें कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन ज्यादा पढ़ लिए, और 50 से 55 सारे क्वेश्चन नए हैं, सारे यूनिक है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन की तरह ही दूसरा क्वेश्चन, सब 50 क्वेश्चन डिफरेंट हैं। तो अगर आप सोचो एक चैप्टर में 50 नए क्वेश्चन लगाते हो, समझिएगा, और 50 नए क्वेश्चन लगाते हो इस पे आप प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, तो 50 आपके क्लास में लगा लिए, 50 आप क्या लगा लिए घर पे लगा लिए, एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन हो गए, और इसके अलावा भी प्रैक्टिस सेट दे देते हैं उसमें भी आपका 100-150 क्वेश्चन होता है। मतलब एक चैप्टर में अगर आप 200 क्वेश्चन लगा रहे हो, और ऑन एवरेज अगर आप 15 चैप्टर भी पढ़ रहे हो, हालांकि 20 होना होता है लेकिन 15 चैप्टर ही मान लो, तो कितने क्वेश्चन हो गए 3000 प्रश्न आप यहां से कवर करके जाओगे, 3000 प्लस, और यकीन मानिए
3000 प्लस ऐसे रटा दूंगा कि आप एकदम हवा में मैथ लगाओगे, एकदम आसान हो जाएगी, मैथ से दोस्ती हो जाएगी। सबसे प्यारा सब्जेक्ट आपका मैथ नहीं बना दिया ना तो फिर बोलिएगा आप। चलिए खैर बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, हम यहां पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में इतिहास विषय में 80% तथा भूगोल विषय में 85% छात्र पास होते हैं। अब ये सपोज करिए कि यहां पे इतिहास है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, यहां पे कितने पास हो रहे हैं? 80%। 100 लोग हैं तो 100 में से 80 यही पास हो जा रहे हैं, और क्योंकि परीक्षा में बच्चे वही हैं और दूसरे विषय में यानी भूगोल में जियोग्राफी में कितने पास हो रहे हैं? 85 पास हो जा रहे हैं इसी 100 में से, इसी 100 में से 80 यहां पास हो रहे हैं, इसी 100 में से 85 यहां पास हो रहे हैं, और बोल रहा है कि 75% छात्र ऐसे जो दोनों विषय में पास हो जाते हैं। तो सपोज करिएगा मैं गोला बनाऊं और मैं बोलूं कि ये वो लड़के हैं जो इतिहास में पास हो रहे हैं, और मैं गोला बनाऊं मैं बोलूं कि ये वाले लड़के हैं जो किसमें पास हो रहे हैं? भूगोल में पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे 80% पास हो रहे हैं, यहाँ पे 85%। अब मैं इन दोनों गोला को सटा दूं, इन दोनों गोला को सटा दूं तो ये क्या होगा? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये पूरा 80 वाला, इसमें कितने हैं? 80, और ये पूरा 85 वाला, कितने हैं इसमें? 85। ये आपका हिस्ट्री है और ये आपका ज्योग्राफी है। तो जो ये एरिया आया आपका, यहां पे देखें मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ये जो एरिया है आपका है ना, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में देखिए इसमें भी और इसमें भी दोनों कंबाइन हो गया है। तो इसी की वैल्यू क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 75% है, ये 75% है दोनों का कंबाइन वाला। तो अभी देखिए ये वाला एरिया जब आप इसे देख रहे हो तब भी कैलकुलेट कर रहे हो, इसे ले रहे हो तब भी ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब कि अगर हम इसे इसे जोड़ लें और इस वाले को माइनस कर दें तो हमारा इसका और इसका पता चल जाएगा? नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि जो ये वाला एरिया है, ये एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इसे आप दो बार कर रहे हो, जब इसे ले रहे हो तब भी और जब इसे ले रहे हो तब भी, है ना। तो अगर एक बार माइनस कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? आ जाएगा, यानी कि हम सिंपल से क्या कर दे, 80 प्लस 85 और इसमें से 75 माइनस कर दे तो हमारे कुल पास की संख्या आ जाएगी। तो कुल पास 80 और 85 165, और में से 75 माइनस कर देंगे तो बचेगा 90, यानी 90% लोग अगर पास हो रहे हैं तो बताओ भाई कितने प्रतिशत लोग फेल हो रहे होंगे? भैया 90 पास हो रहे हैं तो फेल हो रहे होंगे 10%। और वो कह क्या रहा है, क्वेश्चन भी तो एक बार देख लें कि लगाते ही रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में 40 छात्र फेल होते हैं, हमने क्या देखा कि 10% है ना दोनों विषयों में, ये कुल यहां पे कुल होगा, कुल अगर 40 छात्र फेल होते हैं तो अगर कुल फेल होते हैं 40 यानी 10% बराबर हो जाएगा 40, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 400। और यही पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो आपका क्या आ जाएगा? 400 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम में करते हैं। आप फिर से समझिए, दोनों पास को जोड़ लेते हैं और कॉमन वाले को माइनस कर देते हैं और उससे कंपेयर कर लेते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है। तो ये हमारा तरीका क्या होगा? ये कंपेरिजन का तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्या है आपका? चॉकलेट क्वेश्चन है, हमेशा की तरह ये भी आपका चॉकलेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़िए ताकि इसे आप कर पाओ। देखिए एक बात मैं बता दूं कि ये जो हमारी क्लास है ये लास्ट क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट की, परसेंटेज की। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, लाइव सेशन में। अभी हम क्या करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट का सीरीज चलते रहेंगे। 50-55 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, उसका प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया गया है पीडीएफ के तौर पे, क्विज के तौर पे, आप उसे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस इसके आगे स्टार्ट करेंगे, और इसका जो प्रैक्टिस करते चलेंगे वो अलग से क्लास में लाइव सेशन बहुत ही जल्द लेके आ रहा हूं, जिसमें आप क्वेश्चन लगाओगे, हम आपको समझाएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले चॉकलेट क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही बताता है कि आप इस पूरे क्लास को कितने शिद्दत के साथ पढ़े हो। एक परीक्षा में ए बी और सी क्रमशः 28% 36% 53% अंक है प्राप्त करते हैं, बी और सी पास होते हैं तथा ए फेल हो जाता है, यदि उनमें से एक 33 अंक से पास हुआ तथा ए 17 अंक से फेल हुआ तो परीक्षा में पास होने वाले के कितने अंक की जरूरत है? मैं बता दूं कि सिंपल सा है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा हिंट कर दू रहा हूं, कंपैरिजन का क्वेश्चन है जो अभी आप करते आए हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे चारों क्लास को मिला लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। तो एक बात समझ में आया कि पूरे परसेंटेज चैप्टर में हमने क्या क्या अभी समझते हैं, हम एक बार बेसिक स्ट्रक्चर देख लें कि क्या क्या हम पढ़े हैं ताकि हमारी चीजें क्लियर होती चली जाए। पहली क्लास में जब हमने देखा तो हम सबसे पहले क्या देखें, हम देखें कि कोई भी नंबर कॉन्स्टेंट वाला
तरीका देखें कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। दूसरी क्लास में हमने एक्स वाई सीखा, पहली क्लास में हमने कंपैरिजन सीखा था, पहली क्लास में कंपैरिजन सीखा था, ये हमारी दूसरी क्लास थी। अब कंपैरिजन ही पूरा परसेंटेज, दूसरी क्लास में हमने एक बढ़ा रहे दूसरा घटा रहे, तीसरे में एक्स वाई सीखा था, और आज जो हमारी चौथी क्लास है उसमें हमने फिर से इस मेथड का एक और बहुत अच्छा एप्लीकेशन बाकी क्वेश्चन में देखा। तो यही चार ऐसे तरीके हैं जो आपके परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इससे बाहर कोई तरीका ही नहीं है। आप लोग बोलते ना टाइप वाइज पढ़ा दीजिए सर, तो ये टाइप वन था, ये टाइप टू था, ये टाइप थ्री था, ये टाइप फोर था, और इस टाइप इन चार टाइप के अलावा परसेंटेज में क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो बचते हैं, मैं आपको बता दूं, एग्जांपल लेके समझा दूं कि कैसे क्या होते हैं। आज क्लास थोड़ी लंबी जा रही है क्योंकि लास्ट क्लास है, मैं चाह रहा हूं कि आपसे कुछ बचे ना। बहुत अभी क्वेश्चन होते हैं कि 2:5 है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसमें लगाने की कोई बड़ी बात नहीं है। 2/5 × 100 परसेंटेज लगाने के लिए मैंने पहली क्लास में बताया था 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो ये 2/5 × 100 ये 20 जाएगा, कितना आएगा 40%। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 40% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी, तो ए इज टू बी क्या है। इसमें भी देखो ऑफ ऑफ काट दीजिए, परसेंटेज परसेंटेज काट दीजिए, जीरो जीरो काट दीजिए, तो ए अपॉन बी लिख देंगे तो 3/4 आ जाएगा इसका उत्तर। ये सब बहुत आसान तरीके होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जो हम लगाते चले जाते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं कि क्लास में 445 बच्चे हैं, 33% अगर छात्राएं हैं तो कितने लड़के हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, जब आप इसे सीखते जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सेट में दे दूंगा। और ये ऐसे जो छोटे छोटे सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना ये वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहे, और देखिए एकदम घबराइए मत, अगर आपको मैथ एकदम नहीं आती, एकदम जीरो, सपोज करिए आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये 2:5 क्या लिखा है, तब की बात मैं बता रहा हूं कि जो सीट दी जा रही है उसे आप लगाइए, प्रयास करिए। आपसे जो नहीं समझ में आता है आप उसे कमेंट के माध्यम से या आप किसी भी एडमिन से, आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, वरना लाइव सेशन जब आएंगे तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो कहीं भी संकोच नहीं करना है, अगर आप संकोच करोगे तो आप मैथ कभी नहीं सीख पाओगे। याद रखो यहाँ पे कोई आपका रिश्तेदार नहीं बैठा है, कोई आपका फूफा मामा चाचा नहीं बैठा है कि वो सोचेगा भैया आप क्या कर रहे हो, ये नहीं आता बताओ, ये नहीं आता, ऐसा विचार नहीं आना। हो सकता है यार बच्चे और नहीं आएगा, मुझे नहीं आता कभी कभी छोटी छोटी चीजें, है ना, तो हो सकता है ये क्या, हो सकता है आप 2×2 = 4 भी नहीं आता हो, इतने गधे हो, मैं तो बोल रहा हूं इतने गधे हो कि 2×2 = 4, तो भी कोई दिक्कत नहीं भैया, शर्माओ मत, संकोच मत करो, कहीं आपकी शादी नहीं रुक जानी है अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, आप पूछो, समझो। आपका ध्येय होना चाहिए कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, बाकी फैकल्टी इतनी मेहनत कर रही है, परीक्षा प्लस पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है, तो आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक बात आप लिख के रख लो, फिर ये चांस कभी नहीं, अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आती, हम भी वैसे हो जाएंगे, आप समझ लीजिए बात को, है ना, तो फिर चला जाएगा चांस। खैर आप इसे पढ़ते रहिए, परीक्षा प्लस आपके हित में हमेशा सोचती है। प्रॉफिट लॉस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा हम हमेशा हानि में रहते हैं और आप हमेशा लाभ में कैसे रहते हो, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।